मिलिए महात्मा गांधी की पांचवी पीढ़ी से। वो जानते हैं कि उन्हें एक बड़ी विरासत मिली है। मैं जानबूझकर लोगों को ये नहीं बताती कि मैं कौन हूँ। जब लोगों को हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि अब उन्हें ये समझ में आया कि हम लोग सियासत के प्रति इतने उत्साहित क्यों हैं। इन सबको एक संदर्भ में समझने की जरूरत है। हम जिस जगह तक पहुँचे हैं उसमें उनका थोड़ा बहुत ही योगदान है। गांधी एक वकील की हैसियत से दक्षिण अफ्रीका आए थे। उस समय उनकी उम्र 24 साल थी। वो जल्दी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गए। वो नस्लवाद और गोरी सरकार की तरफ से भारतीय समुदाय पर हुए अत्याचार के खिलाफ लड़े। भारत लौटने से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे। वो यहाँ एक स्थायी विरासत छोड़कर लौटे। गांधी जी को आम आदमी से बढ़कर देखा जाता है। हम पर उनकी विरासत के हिसाब से जीवन बिताने का काफी दबाव होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अहिंसक होने का मतलब गांधीवादी होना है। आप गांधी को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अहिंसक हैं और गांधी से असहमत भी हैं, तो ये ठीक है। ये बातें गांधी से दूर लग सकती हैं, लेकिन उन्होंने गांधी की सीख को अपने तरीके से अपनाया है। सामाजिक न्याय एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गांधी के परिवार से हूँ। हमारी ये सोच पिछली पांच पीढ़ियों से चली आ रही है। वो स्वीकार करते हैं कि गांधी के सभी विचार आज लागू नहीं हो सकते। पिछले कुछ सालों में जो मुद्दे सामने आए हैं वो उनके जमाने में छोड़िए 50 साल पहले भी मौजूद नहीं थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उनके विचारों से असहमत हूँ। इसी संदर्भ में उनकी आलोचना को समझने की जरूरत है। मेरे विचार में इस बात से मैं काफी प्रभावित हूँ कि किस तरह वो अपने मुद्दों पर शांतिपूर्वक डटे रहते थे। ये आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। गांधी ने शांति के साथ अपनी बातें मनवाई, जिसके कारण उस समय कुछ लोग नाराज भी रहते होंगे। गांधी के कई आलोचक हो सकते हैं, लेकिन उनकी पांचवी पीढ़ी को लगता है कि उनका संदेश सभी के लिए है। जाने अनजाने में हम उनकी कई शिक्षाओं को अपनाते हैं, बस हम इस बात से अवगत नहीं होते कि ये शिक्षाएं गांधी की हैं, जिसे उन्होंने वर्षों पहले अपनाया था।